साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी ने जो है वो 1.5 लाख रुपया ऑनलाइन फ्रॉडिस्टर से जो है वो रिकवर किया है। क्या है पूरी तफसील इस खबर में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वादाब नाजरीन, उम्मीद है कि सभी हजरात जो है बखैर वाफियत होंगे। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो के कंटिन्यूसली लोगों की खिदमत करती जा रही है, ऐसे ही एक वाका जो है वो आज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भी जो है वो एक ऐसा काम किया है जिससे हमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की सराहना करना तो बनती है। जैसे कि आपने पहले ही सुना कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो रजौरी का है, उसने जो है वो 1.5 लाख रुपए जो के एक शख्स से ऑनलाइन फ्रॉड के ज़रिए जो है वो स्कैमर्स ने लिए थे वसूल किया है, और वो जो रकम है वो उस शख्स तक वापस पहुंचा दी गई है। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि एक शख्स जो है वो अपनी शिकायत लेकर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी के पास जाता है कि मुझसे जो है ऑनलाइन फ्रॉड्स में 1.5 लाख रुपया जो है वो मेरा लूटा गया है। जिसके बाद साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो रजौरी है वो एक्शन में आता है और टायरलेसली यानी कि बगैर थकन के जो है वो इस तरीके से अपना काम अंजाम देता है कि जब तक वो उस शख्स का 1.5 लाख रुपया जो है वो रिकवर नहीं होता है, तब तक जो पुलिस है वो उस काम के पीछे लगी रहती है। और बिला आखिर जो पुलिस है वो जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी है वो जो है बिला आखिर वो 1.5 लाख रुपया जो उस शख्स ने शिकायत जो की थी वो रिकवर करके उस शख्स तक पहुंचा देती है। इसके बाद जो है वो एसपी जो एसएसपी रजौरी हैं श्री रणदीप कुमार जी, उन्होंने जो है वो लोगों से अपील की है कि आप जो है इन ऑनलाइन फ्रॉडस्टर स्कैम्स जो हैं ऐसी चीज़ों से मोहतात रहें, और अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई वाका दिखता है यानी कि अगर कहीं आपके साथ ऐसी कोई चाल चलने की कोशिश करता है या आपको लग रहा है कि ऐसी जो है वो कहीं हरकत हो रही है, तो आप जो है वो नेशनल हेल्पलाइन नंबर जो 1930 है यानी कि 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन नंबर है, आप उस पर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप उस पर शिकायत नहीं दर्ज करें तो उसके अलावा जो है वो आपके पास वेबसाइट भी है जो कि www.cybercrime.gov.in के नाम से है, आप उस पर भी अपनी जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप रजौरी का जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी जो है वो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रजौरी की जो इन्वेस्ट यानी जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी का जो हेल्पलाइन नंबर है वो मैं आपसे बताने की कोशिश करता हूँ, वो जो है वो 9541900755 है, यानी कि 9541900755 है। अगर आप के साथ कहीं ऐसा जो है वो मामला पेश आता है तो आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी जो है वो उसके पास इस हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं जो हमारे साथ लेट व्यूवर्स हैं उनको के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है उन्हें, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम में जो है वो 1.5 लाख रुपया वसूल किया है, जिसकी शिकायत जो है उनके साथ एक शख्स ने की थी, और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो रजौरी है बगैर थकन के जो है उन्होंने तब तक इस काम को जारी रखा जब तक कि उन्होंने वो पैसा जो है वो वसूल नहीं किया। और ये कोई छोटी रकम नहीं है, 1.5 लाख रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है, किसी ने जो है बड़ी मेहनत और तगद्दू के साथ जो है वो इस पैसे को कमाया होता है, और फिर जब हमारे साथ ऑनलाइन स्कैम्स हो जाते हैं हमें लालच दिया जाता है कि आप जो है वो इतना पैसा हमें दें, हम जो है आपको यहाँ से दुगना करके देंगे, या बाकी स्कैम्स में हमें फंसाया जाता है, लेकिन हमारे साथ जो है वो फिर स्कैम्स ही होते हैं। तो
तो इसी तरीके का जो मामला है किसी शख्स के साथ रजौरी में भी पेश आता है, जिसके बाद उसका 1.5 लाख रुपया जो है वो लूटा जाता है, लेकिन वो शख्स जो है अपनी शिकायत जो है वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी के पास लेकर चले जाता है, जो कि उस काम को तब तक करती है जब तक ना वो पैसा वापस जो है वो उस शख्स तक मिलता है। तो हम सबको चाहे, क्योंकि देखें हम भी जो हैं वो इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार किसी भी वक्त हो सकते हैं, इसलिए हम सबको चाहे कि हर वक्त मोहतात रहें, और अगर कभी भी हमें भी जो है वो इस जाल में कोई भी फंसाने की कोशिश करें तो हम भी जो हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट का साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसके पास जो है वो हम भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास हम शिकायत नहीं दर्ज करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी जो है 1930 है, हम उसके पास भी जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप उस पर भी जो है वो शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, उसके अलावा जो वेबसाइट है आप वेबसाइट पर भी जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो कि www.cybercrime.gov.in के नाम से, आप उस पर भी जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी की, खासकर मैं रजौरी की बात करूंगा, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट रजौरी जो है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिन्होंने 1.5 लाख की रकम जो है वो मिलाकर वसूल कर ली है जिस स्कैमर ने जो है वो शख्स को स्कैम में डालकर 1.5 लाख उसका लूटा था। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जिंदाबाद लिखना न भूलेगा। फिलहाल अब के बाद जो है वो क्या खबरें वगैरह होगी हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।